अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन चैनल। आज की जो न्यूज़ है वो यूएई से रिलेटेड है। यूएई के जितने भी जो वीज़ाज़ और एंट्री परमिट और आईडी कार्ड से उनके जो रूल्स हैं उनमें कुछ अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो सारी अमेंडमेंट्स हैं वो हम डिटेल में इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो न्यूज़ की डिटेल की तरफ हम चलते हैं। यूएई की जो कैबिनेट है उन्होंने फ्राइडे को जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट में एक इशू नोटिस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ जो है वो अमेंडमेंट्स की हैं और कुछ डिसीशंस इशू किए हैं आइडेंटिटी और एंड नेशनलिटी सेक्टर से के हवाले से। जैसा कि आप सबको पता है कि यूएई में हर चीज़ जो है वो नॉर्मल होती जा रही है, तो उसी चीज़ को देखते हुए जो कि पहले रिलीफ दिया गया था उसको अब ख़त्म कर किया जा रहा है, और जितनी भी चीज़ें जैसे पहले अफेक्ट होती थीं जो रूल्स और रेगुलेशन और जो फीस पहले लगती थी एंट्री परमिट आईडी कार्ड्स और वीज़ाज पे, वो दोबारा से जो है वो कंटिन्यू हो रही है। जितने भी डिसीजन थे रिलेटेड टू रेजिडेंसी ऑफ एक्सपेट्राइट्स वीज़ाज और एंट्री परमिट्स एंड आईडी कार्ड्स, उनको जो है वो स्टॉप कर दिया गया है जुलाई 11 से, यानी कि आज से जो है वो तमाम जितने भी डिसीजन जो कि पहले किए गए थे वायरस को देखते हुए, वो तमाम जो है वो कैंसिल हो गए हैं और ख़त्म हो गए हैं। जबकि जो फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ICA है, वो जितनी भी सर्विस प्रोवाइड करती है उसकी अब वो फ़ीस चार्ज करेगी, और ये फ़ीस जो है वो 12 जुलाई से चार्ज की जाएगी। उनकी जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी अब जो है वो फ़ीस चार्ज की जाएगी। जो कैबिनेट का डिसीजन है उसके मुताबिक जितनी भी जो जो कैबिनेट का जो डिसीजन है उसके मुताबिक उन्होंने वो तमाम रिलीफ जो है वो उसको कैंसिल कर दिया है जो उन्होंने पहले लोगों को दिया था, जिनके वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो गए थे 1 एंड 31 मार्च के दरमियान, चाहे वो कंट्री के अंदर थे या कंट्री से बाहर थे। और जो वैलिडिटी जो है वो दी गई थी वीज़ाज़ और एंट्री परमिट्स पे उन तमाम लोगों को जो कि कंट्री के अंदर थे फ्रॉम 1 मार्च 2020 अंटिल द एंड ऑफ दिसंबर, वो सब भी कैंसिल हो चुके हैं। यानी कि जो रिलीफ पहले दिया गया था कि आपका वीज़ा जो है वो वैलिड होगा टिल दिसंबर 2020, वो अब जो है वो ख़त्म हो चुका है। वो सब रूल्स जो थे और जो रिलीफ दिए गए थे कैंसिल वीज़ाज और वैलिडिटी ऑफ द वीज़ाज एक्सटेंशन जो दी गई थी वो सब जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और अब जो है वो आपकी फ़ीस चार्ज की जाएगी 12 जुलाई से। जितने भी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगा ICA उन तमाम के ऊपर फ़ीस चार्ज की जाएगी। और मज़ीद कैबिनेट के अंदर ये बताया गया कि ग्रेस पीरियड ऑफ 3 मंथ जो है वो दिया जाएगा उन तमाम इमरातीज को और GCC सिटीजन्स को और रेजिडेंट को जो कि कंट्री के अंदर हैं, उन फॉर द रीन्यूअल ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट की रीन्यूअल के लिए उन्हें 3 मंथ का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा जो कि इस वक्त कंट्री के अंदर हैं जितने भी इमराती GCC सिटीजन या फिर रेजिडेंट्स। और इसके अलावा 1 मंथ का ग्रेस पीरियड उन तमाम लोगों को दिया जाएगा जो कि कंट्री उन तमाम इमरातीज और GCC सिटीजन और रेजिडेंट को दिया जाएगा जो कि आउटसाइड ऑफ द कंट्री हैं और जिन्होंने 6 महीने से कम का टाइम पीरियड गुजारा है, उन तमाम लोगों को दिया जाएगा फॉर रीन्यूअल ऑफ देयर डॉक्यूमेंट, और उस डेट से दिया जाएगा जिस डेट से वो इंटर होंगे यूएई के अंदर, उस डेट से उन्हें 1 मंथ का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा जिनको 6 मंथ से कम का टाइम पीरियड लगा है। और उन तमाम लोगों को भी 1 मंथ का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा जो कि कंट्री से बाहर हैं और उनको जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उस डेट से दिया जाएगा जिस डेट से जो है वो जिस कंट्री से वो आ रहे हैं उनकी एयर स्पेस जो है वो ओपन हुई थी उस डेट से जो है वो उनको 1 मंथ का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। और उन तमाम लोगों को भी 1 मंथ का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा जिनका जो है वो वीज़ा एक्सपायर हो गया था 1 मार्च से और वो कंट्री से बाहर थे। तो ये 2 कैटेगरीज हैं जिनको जो है वो 1 मंथ का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा उस डेट से जब उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है वो एयर स्पेस ओपन हुई थी। एक तो वो जिनका एक्सपायर हो गया वीज़ा 1 मार्च से और वो कंट्री से बाहर थे, और दूसरा वो जिनको 6 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं और वो कंट्री से बाहर हैं, उनकी उन दोनों की जो है वो कंट्रीज़ की जब एयर स्पेस ओपन हुई थी तब से उन्हें 1 मंथ का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा फॉर रीन्यूअल ऑफ देयर डॉक्यूमेंट। और इन तमाम जो है वो अफेक्टिव टाइम के बाद, यानी ये एक जो एग्जेम्पशन का पीरियड है इसके बाद से जो है वो इन तमाम लोगों की वो भी फ़ीस चार्ज की जाएगी, इन तमाम लोगों के ऊपर भी जो है वो फाइन्स और फीस जो है वो चार्ज की जाएगी
तो ये कुछ अमेंडमेंट्स थी और रूल्स थे जो कि इशू किए गए हैं GDRFA दुबई की तरफ से UAE की वीज़ाज़ और एंट्री परमिट्स और ID कार्ड्स की रीन्यूअल के लिए।